पाहण्यासाठी व्हिडिओ ऐकले. ये है हमारे स्नैक्स गेम नाइट के लिए. पति चेंज हुआ है या सारे बंदे चेंज हो गए? हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे हो. अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं. आज के व्लॉग पे हम क्या करेंगे, बस मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा एवरीडे रूटीन. लाइक डे इन अ लाइफ व्लॉग है ये. दिन ऑलरेडी हो चुका है फिनिश. मैं अपनी आउट्रो शूट करने के लिए आई थी और मुझे पता चला कि मैंने इंट्रो भी नहीं किया. सो मैंने सोचा कि अभी आपसे हेलो हाय बोल देती हूँ. और आज के दिन की मैंने शुरुआत की थी कुक करने से. तो सबसे पहले मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर कर रही थी. हाँ, आज मैं डिनर में बनाने वाली थी लज़ानिया, जिसको थोड़ा समय लग जाता है. तो मैंने सोचा कि 11-12 बजे ही कुक कर लेती हूँ, क्योंकि मैं लंच भी कर लेगा, उसी से हम डिनर भी कर लेंगे. सो इसलिए मैंने सबसे पहले अपने नन्हे मन्ने से मॉर्निंग के रिचुअल करने के बाद मैंने सीधा ही कुक कर लिया और मैंने लज़ानिया कुक किया है. और मैं आपके साथ नन्ही मनी सी रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, वेजिटेरियन लज़ानिया. सो जल्दी से रेसिपी को देख लें. और यस, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा. अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें. दैट्स इट, सब्सक्राइब बटन वहाँ पर है, क्लिक करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और ब्लॉग को देखते रहिए. ऑलराइट दोस्तों, सुबह हो चुकी है और आज की सुबह मैंने शुरू की है प्लांट्स की केयर के साथ. कुछ प्लांट्स को हर वीक केयर की ज़रूरत होती है, कुछ को 15 दिन के बाद, और कुछ को जब भी आपको फील लगे कि अब ज़रूरत है तो आप उनकी टेक केयर करें. इनको हमेशा ही परेशान करने की ज़रूरत नहीं है. और लुक एट दिस पॉथोस, कैसे ग्रो कर रही है. और आज इनको मैंने फर्टिलाइज़ किया है और इनको पानी दिया गया है, इनको ट्रिम किया गया है और अब ये ले रहे हैं स्टीम स्पा. क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं इनको ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. अगर आप इस पे पानी स्प्रिंकल करें तब भी अच्छा है, पर उनको वैसी ह्यूमिडिटी नहीं मिलती जैसी आप उसको ह्यूमिडिफायर के साथ दे सकते हैं. ये जो प्लांट है बटरफ्लाई, इसको स्पेशली ह्यूमिडिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. सो बिकेज आज मैं सारे प्लांट्स लेके आई थी तो मैंने सोचा कि सारों को थोड़ा स्पा दे देते हैं. एक्चुअली मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते रहते कि मैं प्लांट की केयर आपके साथ शेयर करूँ. और अब बिकेज विंटर शुरू होने वाले हैं तो मेरा प्लान है कि मेरे इस प्लांट वाले एरिया में यहाँ पे मैं ह्यूमिडिफायर लगा दूँ, वंस इन अ वाइल उसको चला दिया करूँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ड्राई होने वाली है एयर. और ये शेल्फ खाली है क्योंकि सारे प्लांट्स इधर उधर हैं. कुछ यहाँ पे लाइट ले रहे हैं, डे लाइट का मज़ा ले रहे हैं कुछ प्लांट्स. और लुक एट दीज लीव्स, ये भी कितने बड़े हो गए हैं. या ये प्लांट्स यहाँ पे जीवन अपना जी रहे हैं, कुछ अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनको उनकी जगह से मूव करें तो वो दुखी हो जाते हैं. लाइक फेडल लीफ एग, इसमें ये काफ़ी अच्छे नए पत्ते आए हैं, शाइनी. ऑलराइट दोस्तों, सो लज़ानिया बनाने के लिए आप अपनी फेवरेट सब्जियाँ यूज़ कर सकते हैं, पर इसमें मशरूम, ग्रीन पेपर एंड बीन्स एंड कैरेट्स बहुत अच्छी लगती हैं. पर मेरे घर में मशरूम नहीं थी, सो मैंने वही सब्जियाँ यूज़ कर ली हूँ जो मेरे घर में अवेलेबल थी. सबसे पहले हम फिलिंग बना लेते हैं लज़ानिया के लिए. मैंने लिया है बड़ा सा पैन, उसमें मैंने डाला है ऑलिव ऑयल और ऑलिव ऑयल में डालूंगी गार्लिक. गार्लिक का फ्लेवर लज़ानिया में बहुत अच्छा लगता है. अगर आपको नहीं अच्छा लगता स्किप कर सकते हैं. वंस गार्लिक थोड़ा कुक हो गया, लाइक ओवर कुक नहीं करना है हमें, थोड़ा सा कुक करना है. जब वो कुक हो गया अब मैं ऐड करूँगी ग्रीन पेपर एंड मेरे पास है ये कैबेज. इसको अच्छी तरह कुक करेंगे. लाइक थोड़ा सा कच्चा होगा तो अच्छा चलेगा, आपको ओवर कुक नहीं करना है. वंस ये ग्रीन पेपर एंड कैबेज थोड़ी कुक हो चुकी है, मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ थोड़ी सी फ्रोज़न सब्जियाँ, क्योंकि फ्रेश सब्जियाँ मेरे पास नहीं थी, जो कि है कॉर्न एंड कैरेट्स एंड बीन्स एंड ऑल्सो मटर. सो उन सब्जियों को ऐड करके हम कुक करेंगे. एंड मैंने इसमें ऑल्सो ऐड किया है सॉल्ट, पेपर एंड थोड़ा सा इटालियन हर्ब्स. अब ये कुक हो रहा है तो दूसरी साइड पे हम बना लेंगे हमारा चीज़ी रू, जो कि एक लेयर का काम करेगा. इसमें मैंने क्या किया है कि बटर लिया है, बटर में मैंने डाला है मैदा. जब मैदा अच्छी तरह बटर को लाइक ऑयल छोड़ देता है तो हम इसमें सॉल्ट पेपर ऐड करके दूध ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे कि क्रीमी सा टेक्सचर हो. और मैंने इसमें क्रीम चीज़ भी ऐड किया है थोड़ा ज़्यादा क्रीमी फ्लेवर के लिए.
और जो मैं पास्ता यूज़ कर रही हूँ वो ओवन रेडी पास्ता है, लज़ानिया शीट्स। आपको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका काम थोड़ा कम हो जाता है। और जब ये सब्ज़ियाँ कुक हो चुकी हैं, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये मैरिनारा सॉस जो मैंने कॉस्को से ली है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपको अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें सारी इन्ग्रीडियंट्स ऑलरेडी हैं। सो आप इनफ ऐड करें कि पूरा सब्ज़ियों की कोटिंग हो जाए, क्योंकि जितना मॉइस्चर होगा लज़ानिया में उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड डिलिशियस बनेगा। एंड हम यूज़ करेंगे चीज़ मोज़रेला। अब हम इस सारी चीज़ों को असेंबल कर लेंगे। सबसे पहली लेयर होने वाली है सब्जियों के मिक्सचर की, एंड अगली लेयर होगी लज़ानिया शीट्स की। जैसे आपको लगता है कि आपके बर्तन में फिट आती हैं वैसे आप लगा दें। देन हम हमारा ये क्रीमी चीज़ रू ऐड करेंगे, जितना भी आपको अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे, इसी तरह एक और लेयर बना लेंगे। एंड लास्ट लेयर में हम जब लज़ानिया शीट्स रखते हैं उसके ऊपर फिर से हम सब्ज़ी ऐड करेंगे जो हमने सब्ज़ियों का मिक्सचर बनाया है, एंड देन थोड़ा सा चीज़। अब हम इसको ढक के कुक करेंगे अराउंड 50 मिनट्स। अगर आप बॉयल्ड लज़ानिया यूज़ करते हैं, लाइक अगर आपने लज़ानिया नूडल्स ऑलरेडी बॉयल करके रखी हैं, तो आई थिंक 25-30 मिनट्स में हो जाएगा, बिकॉज़ ये ओवन रेडी शीट्स हैं तो ज़्यादा समय लगेगा। ओके, सो पहले मैं इसको 45 मिनट फॉयल रैप के साथ ढक के कुक करूँगी। वंस 45 मिनट्स हो चुके हैं मैं उसको उठा दूँगी और 20 मिनट्स तक हम और कुक करेंगे, या जब तक आपके चीज़ का कलर चेंज नहीं हो जाता। अब आप देख सकते हैं कि ओवन में ये ऐसे कुक हो रहा है और हमारा लज़ानिया बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़्यादा बेसिक एंड ईजी रेसिपी है, पर बहुत डिलिशियस बनता है। सो अगर आप ये ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर बताना। आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छा परफेक्ट वेजिटेरियन मील तैयार हो सकता है। ओके दोस्तों, हम लोग तैयार हैं, थोड़ी ज़्यादा ही तैयार हैं। वेयरिंग माई ब्यूटिफुल शूज एंड लेगिंग एंड दिस टेडी बेयर काइंड ऑफ स्वेटशर्ट है ये, और हिम्मत अपने शूज़ पहन रहा है। सो मैंने अभी एक वीडियो शूट की है कि बालों को वो क्या बोलते हैं, रेवलॉन के वन स्टेप स्टाइलर की। एक्चुअली उसके बाद मैंने बालों को वेव भी किया है। आई थिंक आपने ऑलरेडी वो देख ली होगी। और अब हम तैयार हैं बाहर जाने के लिए। मैंने ये मोटा इसलिए पहना है क्योंकि बाहर 12 और 13 हो जाएगा जब तक हम वापस आएंगे। आज रैप्टर्स की गेम भी है और डिनर हमने ऑलरेडी बना लिया, आपने देखा लज़ानिया। और अब हम जा रहे हैं और ये लड़का कुछ ना कुछ तो बोलता रहता है। लुक एट दीज गाइज, आई एम वेयरिंग हूप्स। वो पार्क में जाने के लिए आप प्रिपेयर नहीं लग रही मुझे, तो उतार रही हूँ मैं। मुझे प्यारी लग रही थी मेरे चेहरे पे, मैं उतार देती हूँ। अदरवाइज मुझे ये अजीब लगता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इयररिंग्स नहीं पहनती हूँ, तो जब पहनती हूँ तो मुझे खुद को ही ऐसा लगता है कि मैंने पता नहीं क्या कर लिया है, ओवर कर लिया है कुछ। और ये जो नूड शेड है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अरे मेरी रिंग्स बन सकती हैं अगर मेरी उंगलियां चंगियां मोटियां हों तो। वापस क्यों मुड़ के आए? ओके, सो हम
पहुंच गए हैं पार्क में और पार्क का मौसम ठंडा है। आप धूप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे, बट ठंड है सो अच्छा है कि मैंने मोटे कपड़े पहने। और यस, जहाँ पे हम लोग वॉक कर रहे हैं ये गाड़ियों के आने जाने की जगह है। हम अदर ट्रेल से नहीं गए, जो अदर ट्रेल है वो माउंटेन के साथ साथ चलती है, जो मुझे थोड़ी सी डेंजरस लगती है समटाइम हिम्मत के लिए, क्योंकि उसको हाथ पकड़ के रखना पड़ता है। सो यहाँ पे अच्छा है, इसी रास्ते जाते हैं, यू नो एनर्जी गेन करते हैं और पॉजिटिविटी। और दोस्तों, तो ये वीडियो जो मेरी बन रही है ये बना रहा है हिम्मत, बहुत ही अच्छा ट्राइपॉड है, वो बिल्कुल मूव नहीं करता है, हमेशा अच्छी वीडियो बनाता है। डैडी बहुत दूर जा चुके हैं और मैं भी चलती हूँ, और हिम्मत को हम यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। चंगा हिम्मत, बाय। हम थोड़ी सी वॉक करके इस एरिया पे आए हैं, यहाँ पे हम बैठ के थोड़ा सा शांति ले रहे हैं, शांति या शांति, आई डोंट नो। अच्छा समय स्पेंड कर रहे हैं हम लोग पार्क में, बहुत मज़ेदार है। थोड़ी ठंड भी लग रही है, पर हस्बैंड एंड हिम्मत रनिंग कर रहे हैं तो उनको शायद नहीं लग रही होगी, पर स्टिल मुझे लग रही है थोड़ी। एक्चुअली मुझे ठंड थोड़ी ज़्यादा ही लगती है, आई डोंट नो आपको लगती है या नहीं। और एक ऐसे है कि मैं रहती हूँ वहाँ पे हूँ जहाँ पे ठंड होती बहुत ज़्यादा है, ठंडा मौसम आ गया, ये समर हमारी ऐसे ही बीत गई। नहीं तो हम लोग समर की इतनी वेट करते कि कब समर आएगी, तो ये करेंगे वो करेंगे, पर दिस टाइम समर आई और गई। होपफुली दुनिया की जो हालत आजकल चल रही है, आई विश कि सारा कुछ सही हो जाए जल्दी ही। ओके दोस्तों, सो मैं भी जाती हूँ उनके पीछे, देखती हूँ कि क्या कर रहे हैं। सो हमारे पास यहाँ पे है एक बहुत ही प्यारा सा हाइकर। सो ये प्यारा हाइकर वॉक कर रहा है क्योंकि ये बहुत थक चुका है, ये पथरीले रास्तों में जाते आते आते जाते। सो ये यूज़ कर रहा है ये स्टिक। डैडी चले गए रनिंग करने के लिए और हिम्मत उनको रन नहीं करने देता और वो चाहते हैं कि थोड़ा रन करें, और मम्मी उसकी रन करती नहीं है, कर नहीं पाती है बेचारी। सो इसलिए इसको मैं देख रही हूँ। और हिम्मत को कुछ मुसाफिर मिले हैं रास्ते में। हिम्मत एक बहुत ही अच्छा हाइकर है। Proud of you, little Himmat. Somebody forgot his hat, Mimi. Human hero, selfless care. The flame still rising, so grateful you are there. Like butterflies, we'll watch the storm. Knowing one day our ways will be reborn. We're in this all together. Okay friends, तो हम लोग आए हैं स्टोर में कुछ लेने के लिए। So, हम लोग पहुंच गए सोबीज में मास्क पहन के, और अब हम लेंगे हमारे लिए कुछ स्नैक। ओके, सो आज क्रूशियल रैप्टर्स की गेम है, तो हम चाहते हैं हमारे लिए चार पांच स्नैक्स लेने। Go, Raptors, go. Who wanted us to hang out in? I guess you threw yourself. और इनके यहाँ पे प्लांट्स भी मिल जाते हैं। And you chose not to invite me. Yeah, you threw yourself. मैं अपने लिए पिद्दी सी जाम लेने वाली हूँ। Good time. You said text me when you get here. We'll think about it. तू सीधा वॉक कर। इन्हें ब्रेक का ना लिया कर। सो यहाँ पे हमें मिले हैं गुलाब जामुन। कितने दिन से मेरा गुलाब जामुन खाने के लिए मन है और हमने लिए नहीं है, सो मैं लेने वाली हूँ ये। सो गुलाब जामुन। सो दिस गाय इज
चूजिंग अ कैंडी फॉर हिम, उसे मैंने कहा है कि एक कैंडी ले सकते हो तुम, वो भी वही जो स्पेशल पे लगी है. ही इज चूजिंग, टेकिंग टू मच टाइम. इसको ना मुझे ही सजेस्ट करना पड़ेगा. केड़ी, वेट वेट वेट, आवली नहीं, ये नहीं है बहू, ऑरेंज ऑरेंज ऊपर वाली है. अगर ये लेनी है तो तू ले ला. ओके चलो. सो मिमी ने चूज किया है मार्स, ये ऑरेंज में नहीं है पर हिम्मत ये ले रहा है क्योंकि इससे ये चॉकलेट अच्छी लगती है. राइट हिम्मत, चलो. और नाउ मिशन है डैडी को ढूंढने का, और हम ना ट्रॉली लेके आए हैं ना ही बास्केट. दिस इज कॉल्ड क्रेजी फैमिली. और डैडी अपने लिए कोई पसंद कर रहे होंगे स्नैक्स. सो दिस इज आवर स्नैक्स, कैंडी, चॉकलेट, गुलाब जामुन, चिप्स, फ्राइज, समोसे एंड विंग्स एंड बनाना. दैट्स इट, मिनी ग्रॉसरी हॉल. ग्रॉसरी शॉपिंग करने आ गए और ट्रॉली नहीं लेके आए, और कह रहे कि तू तेनू चिंता करनी चाहिए क्योंकि तू गर्ल है. यस गाइस, गाइस बैश हिम एंड स्मैश हिम. नहीं मैं बटुए दा भी ख्याल रखा दे, टोकरी दा भी ख्याल रख. प्यारी तू ग्रॉसरी शॉपिंग करने आई ही, अही तो ही आए ही फ्रेंड बन के. मेरा काम है बटुआ, थोड़ा काम है टोकरी. प्यारी तेनू ना लोकां ने बैश एंड स्मैश कर देना. कर दो मैनू लुट लो, मैनू लुट लो. या पेपर बैग्स कर. ओए दोस्तों, ये है हमारे स्नैक्स गेम नाइट के लिए. मम्मा चलो चलो दोस्तों, आप यहीं पे रहो, हम जाते हैं. बाय. फॉलो मी दोस्तों. दोस्तों घर पहुंच चुके हैं, अब मैं अल्कोहल वाइप के साथ वो चीज़ें क्लीन कर लेती हूँ जो यूज़ करेंगे. मुझे लगता है पहले मैं विंग्स बनाऊंगी, लज़ानिया हम बाद में ही खाते हैं. और यस हिम्मत खाएगा चिप्स. तो ये बेबी वाइप्स में मैंने खूब सारी अल्कोहल डाल के रखी है, तो इससे मैं क्लीन कर लेती हूँ कोई भी चीज़ को. सो सबसे पहले मैं समोसे बनाने वाली हूँ एयर फ्रायर में. ओके सो हमारा पहला प्लेटर तैयार हो गया. इसमें ये समोसे हैं पिद्दे से एक बाइट वाले, ये है चिकन एंड आलू एंड वेजीज. वेजीज को हम खाते हैं सार क्रीम के साथ, एंड समोसे को खाएंगे केचप के साथ. वैसे मैंने वो साउथ इंडियन नाल चटनी बनाई थी, वो भी है अगर पत्ती ने खानी हो तो. सो आइटम्स बहुत हो गई हैं हमारे पास खाने के लिए, और हमारी गेम शुरू होने का टाइम आया, और पति ने डांट भी पाट ले किसी चीज दे. हमारे इस डोर के जो पीछे घर है वहाँ पे नए बंदे आ गए, और हम उनके घर में तांग छांग कर रहे थे. मैं कली मैं उनके घर में तांग छांग कर रही थी, और अकेले कली मैं, और उसने पर्दा नीचे काटा है. तांग छांग नहीं कर रही थी, यहीं पे खड़े होकर देख रही थी, क्योंकि जो इनके पहले से जो इनके आने से पहले यहाँ पे रहते थे वो लेडी बिल्कुल डिटो वैसी थी जब जो अभी मूव हुए हैं वो है. सो पर पति डिफरेंट है क्योंकि हमने उनका कभी चेहरा नहीं देखा, इतना देखा क्योंकि वो इतना पर्दा रखते थे, और नीचे से बॉडी बिल्कुल सेम आ, और पति डिफरेंट आ. पर पति चेंज हुआ है या सारे बंदे चेंज हो गए हैं, की चाहिए भावे साड़ी वीडियो देख ले. सो अदर फ्राइज रेडी हो गई हैं जो हिम्मत खाता है, प्लेन पतली फ्राइज गरम है. दोस्तों तो हमारा डिनर हो चुका है, इसमें मैं इयर रिंग्स को पहन. एक्चुअली जब हम घर से गए थे तो मैंने पहने थे,
और मुझे पता नहीं चला कि पता नहीं क्यों पहन रही हूँ, टाइम पास कर रही हूँ, कहीं नहीं ले लें। सो हमारा डिनर हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है, मैंने किचन को क्लीन भी कर दिया है और अब हम आराम से बैठ के हमारी गेम देख रहे हैं। मैं अपस्टेयर्स आई थी मेरी स्किन केयर करने के लिए, तो मैंने सोचा कि इस ब्लॉग को फिनिश भी कर दें। सो बहुत बार क्या होता है कि मैं भूल जाती हूँ, सो इससे अच्छा है कि जल्दी से बाय बाय कर दें। आई होप आपने आज का ब्लॉग इन्जॉय किया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि मैं हर बार बोलती हूँ, एंड बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है सब्सक्राइब करें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करें। मैं मिलूंगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, वी गाइस कैन डू एनीथिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बाय लल्लू।